तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो आप सबके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी ये आ गई कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो पेपर आपका आपने जो फॉर्म भरा था उसका एग्जाम डेट आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम डेट को हम लोग ऑफिशियल कैसे देखेंगे और सिलेबस को कैसे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस है, उसके बाद जो फिजिकल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पूरी डिटेल से वीडियो में बात करेंगे, हर एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कितने टाइम का आपका पेपर होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। इसके अलावा बता, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिएगा जिससे आपको सभी के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जो आरपीएफ एसआई का ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेंगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। अनअकैडमी जिन्होंने फोन पर फॉलो नहीं किया तो तुरंत फॉलो कर लीजिए, मैंने वहाँ आपको मैथ के क्रैश कोर्स करा दिए हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको सभी के सभी जो बच्चे होंगे वो सिर्फ पढ़ने वाले मिलेंगे। तो लगभग 10,000 बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी उसमें ज्वाइन कर लीजिए और काफ़ी बेहतरीन कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेंगे, सभी चीज़ों का तुरंत फायदा उठा लीजिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे के लिए एग्जाम्स के लिए मैंने अर्थमेटिक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, मैं आपको दिखाऊंगा इसको कुल मिला के 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने देखा हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कोर्सेज को और कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आरपीएफ एसआई की डेट आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल हम लोग दिखा देते हैं कि ऑफिशियल आप कैसे देखोगे। अगर आपको ऑफिशियल देखना होगा तो कैसे देखोगे, तो सिंपली आप देखोगे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देखो सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च भी करोगे तो भी खुल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। assignment.rpfonline.reg.org लिखा हुआ, ये मैंने गूगल पे डाला कि आरपीएफ एसआई, तुरंत ये वेबसाइट खुल गई। ये वेबसाइट खुलेगी, आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो लिखा हुआ प्रेस रिलीज का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मत चल जाना, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह में कोई चीज़ें नहीं है, पुरानी है। जो प्रेस रिलीज आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर न्यू आपको लिखा हो, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत अगली स्लाइड में ये पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी। इस पीडीएफ में ऑफिशियल ये चीज़ें साथ साथ लिखी हुई हैं कि आप सबके लिए जो 8,619 वैकेंसी आई थी कांस्टेबल के लिए और 1,120 वैकेंसी जो आपकी आई थी एसआई के लिए आरपीएफ और आरपीएसएफ में, ये चीज़ें आपकी जो पेपर है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन पेपर जो है वो 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कांस्टेबल और एसआई दोनों के पेपरों को, यानी कि जोन वाइज पेपर डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद एसआई का पेपर अलग होगा, कांस्टेबल का अलग, बहुत सारी चीज़ें मतलब इन्होंने लगभग लगभग जोन वाइज से सभी चीज़ें डिवाइड करी हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिएगा, लगभग सिलेबस सेम है, चीज़ों को आप समझिएगा कैसे कैसे है। ये आप लोगों ने देख लिया ऑफिशियल वेबसाइट, किसी को कोई दिक्कत इस वेबसाइट में। अब इसमें आपको थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ के बता देता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हो द सेंट्रल रिक्वायरमेंट कमेटी फॉर एसआई एंड द सेंट्रल रिक्वायरमेंट कमेटी फॉर कांस्टेबल, जो कांस्टेबल और एसआई के लिए सेंट्रल रिक्वायरमेंट कमेटी है, यानी जिसने रिक्वायरमेंट निकाली थी। Allotted roll numbers, so all valid candidates, all these roll numbers will be communicated with them by 16 नवंबर through email. जितने भी बच्चे हैं उनके पास 16 नवंबर को ईमेल जाएगा, जिससे वो सारी चीज़ें जब उनको शेड्यूल कब है यानी पेपर कब है वो सभी चीज़ें वो लोग देख लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं कि जो अपना कॉल लेटर है वो 9 दिसंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है आपको पता है वो 19 दिसंबर से आपका पेपर होने वाला है। तो 9 दिसंबर से आप लोग कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं कि किस शहर में गया है एग्जाम सेंटर। आपको 4 दिन पहले, इसमें भी शायद वही चांसेस हो सकते हैं कि 4 दिन पहले एग्जाम सेंटर को बुक कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द टेस्ट सेंटर टू कैंडिडेट्स विल बी अलोकेटेड विद इन 200 किलोमीटर ऑफ देयर होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें थोड़ा सा लिखी हुई कि आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, 200 किलोमीटर के अंदर ही आपको सारी सारी चीज़ें जो है वो कवर करा देंगे। अब ये जान लीजिए सिलेबस क्या है। अभी तो आपने देख लिया कि 19 आपको दिसंबर को आपका पेपर है, तो देखा जाए तो मोटा मोटी आपके पास सिर्फ 1 महीना समथिंग दिन बचा हुआ, लेकिन 1 महीना ही लेके चलते हैं कि 1 महीना दिन आपके पास बचा हुआ बच्चों, और इस 1 महीना में आप कैसे करोगे, क्योंकि जिनका जो एलपी का पेपर गड़बड़ हो गया था, जिनका एलपी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था लेकिन वो भी पेपर गलत हो गया, वो भी पेपर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे फिर भी उन्होंने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भरा था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है कि रेलवे जल्दी आपको पेपर कराएगा और इसी टाइम यही टाइम है कि इलेक्शन से पहले सभी के सभी वैकेंसी वो कंप्लीट कर देगा और ज्वाइनिंग के लिए आपको चीज़ें, ट्रेनिंग के लिए आपको चीज़ें वो बुलाने लगेगा। सिलेबस की आप बात से देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस और साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। याद रखिए एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है रेलवे में, यहाँ पे अर्थमेटिक से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के होंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ अर्थमेटिक लिखा हुआ है। फिर आपके रीजनिंग आएंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के होंगे। टाइम की बात करेंगे तो 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सिलेबस सभी लोग को समझ में आ गया है,
किसी को भी आरपीए पैसा या कॉन्स्टेबल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर देगा, मैं उसके हर एक आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आप लोगों ने सिलेबस देखा कि जनरल अवेयरनेस और साइंस का ज़्यादा पार्ट है, यानी अब आपको हम क्या करने वाले हैं, आपको पिछले एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं पिछले एक साल के वो सभी चीज़ें आपको हम क्लियर करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक करंट अफेयर्स को आपको हम पढ़ा देंगे। चलिए अब आते हैं इसके बाद जो फिजिकल होगा उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए एसआई और कांस्टेबल के लिए फिजिकल अलग अलग होगा, पेपर सेम होगा, फिजिकल अलग होगा। फिजिकल में आप लोग देख सकते हैं कि जो कांस्टेबल का फिजिकल है ये आप देख सकते हो कि 1600 मीटर आपको दौड़ना है 5 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप जो आपकी 14 फीट है, हाई जंप आपकी 4 फीट है, ये सभी चीज़ आप देख सकते हो, मेल फीमेल के भी आप देख लो, एसआई का आप देख लो, ये सभी चीज़ें एसआई के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 12 फीट है लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच आपका है हाई जंप। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो दौड़ है, कैंडिडेट्स विल गेट वनली वन चांस फॉर 1600 और 800 मीटर रेस। जो आपका 800 मीटर का रेस है और जो 1600 मीटर का रेस है उसमें सिर्फ आपको एक चांस मिलेंगे, लेकिन हाई जंप में और लॉन्ग जंप में आपको दो चांस मिलेंगे। तो हाई जंप और लॉन्ग जंप की तैयारी तो करिए ही करिए, लेकिन दौड़ की तैयारी अच्छे से करिएगा। फिलहाल अभी वो सब चीज़ें आप छोड़िए, अभी आप सिर्फ अपने टीयर वन यानी कि जो आपका ये होने वाला पेपर 3 सब्जेक्ट का पेपर जो 120 क्वेश्चंस आएंगे 120 नंबर के उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो अच्छा रहेगा, उस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। अगले पे हम लोग आते हैं, कुछ चीज़ें आपको बता दें कि एलपी सीबीटी 2 के लिए हम लोग मैथ की क्लासेस चला रहे हैं, जो धमाका प्रैक्टिस सेट से चल रहा है वो रेगुलर आपको मिलेगा, 3 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर रेगुलर मिलेंगे, साथ ही साथ अपडेट्स मिलेंगे एग्जाम्स के लिए। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आपको चेतक प्रैक्टिस सेट मिल ही रहा है, लेकिन अब हम लोग ने शुरू कर दिया आरपीए पैसा कांस्टेबल के लिए, आप सबके लिए आरपीए पैसा कांस्टेबल के सुल्तान प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने शुरू किया है। मेन चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको नोटिफिकेशन मिल गई है, अभी बच्चे कई सारे बच्चे अभी घर हैं अपने, संडे तक चले आइए सभी लोग, फिर मंडे से हम लोग आरपीए वसाई और कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू करेंगे, सुल्तान प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से वीडियो देंगे, रीजनिंग की आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मैथ की जो लास्ट वीडियो होती है तीसरी वाली, हर तीसरी वीडियो यानी पहली से तीसरी, चौथी पटी फिर उसका छठी, फिर सत्य सती फिर उसका अठी, इस तरीके जो हर तीसरी वीडियो होती है वो हम आपको रीजनिंग उसमें कुछ क्वेश्चन को कराते हैं बच्चों, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, वो भी आपको बेटर हो जाएगा, वहाँ से भी आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिए, 3 प्रैक्टिस सेट चलेगी, एलपी सीबीटी 2 जिनका बचा हुआ है, जिनका है पेपर, वो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पे आपको मैथ में तो एडवांस भी आएगा लेकिन यहाँ आपका एडवांस नहीं आएगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, कुछ भी आपको नहीं करना, खाली अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से सिलेक्शन ले लीजिए। सबसे पहले तो आपको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए आरपीए पैसा कांस्टेबल के, वो सभी चीज़ें आपको हम कराने की कोशिश करेंगे, वो सभी चीज़ जैसे मेरे पास पेपर मिलते हैं, मैं पेपर सर्च करता हूँ कहीं पर भी, अगर वे मिल जाएंगे तो पुरानी चीज़ें सबसे पहले आपको करा दे, ताकि आपको फिर उसमें कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे चैनल की स्ट्रेटजी है जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि चैनल से एएलपी में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लगभग 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 1000 बच्चों कमेंट आप देख सकते हो, कई सारे वीडियोज़ में कमेंट करते हैं, टेलीग्राम पे पेपर मैसेज भर गए हैं, व्हाट्सअप जो नंबर मैंने आपको दिया वहाँ पे लगातार मेरे पास मैसेज भर गए हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, मैं खुद काफ़ी आप लोग से इतना बुरा महसूस करता हूँ कि मैं आपके रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। रीज़न ये है, इतने सारे मैसेज हैं बच्चों, मैं आपको कभी दिखा दूँगा यहाँ पे, जब लैपटॉप में अपने खोलूँगा तो आपको दिखा दूँगा कि 600 से ज़्यादा बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया है, अब वो मोबाइल हैंग हो जाता है, उस पर मेमोरी में मैसेज नहीं देख पाता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अगर मैसेज करना तो आप 2-3 बार कर देगा, जिससे मैं उसको देख लूँ कि हाँ आपने, और हाई हेलो भेजने वाले इसमें ज़्यादा है, इसमें से हाई हेलो संबंधित 300 बच्चों ने सिर्फ हाई हेलो भेजा है, तो इस वजह से जो बच्चों को अच्छे कमेंट है जिनको मुझे पढ़ना चाहिए वो भी नहीं मैं पढ़ पाता हूँ। रीजन ये है कि इतने सारे कमेंट आ जाते हैं, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं नहीं देख पाता हूँ व्हाट्सएप में, इसलिए मैंने बंद किया अभी व्हाट्सएप नंबर देना। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो मेरे पुरानी वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर अपनी कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रखिए, क्लासेस मंगल और आपके सोमवार से स्टार्ट हो रही है, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। फिलहाल एलपी सीबीटी 2 का जिनका है वो बिल्कुल परेशान ना हो, एलपी सीबीटी 2 के लिए उनको मैथ की वीडियो और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की वीडियो हम लोग करा रहे हैं। बच्चों कमेंट है कि सर ये ट्रेड का क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेड का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, फिजिक्स के क्वेश्चन में कम आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि फिजिक्स के बच्चों को पता है, बेसिक साइंस सबको पता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको नहीं पता, तो वो चीज़ें हम आपको कवर उसमें करा रहे हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं लेकिन कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आप कर लोगे, एलपी सीबीटी 1 में आप लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा अच्छे लेवल का आएगा लेकिन वो पीसीएम वालों का आएगा, आपका जो पार्ट बी का होगा उसके लिए आएगा, तो परेशान मत होइए। सिर्फ आप लोग तेजक जो प्रैक्टिस है, आपका चेतक जो प्रैक्टिस है चल रहा है आपके लिए सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो देखिए, सुल्तान प्रैक्टिस सेट आपके लिए चलने वाला आरपीए पैसा कांस्टेबल का बच्चों वो देखिए, ये सभी चीज़ें आप लोग देखिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। और इस बार सिलेक्शन अगर आप नहीं ले पाओगे तो इलेक्शन जब खत्म होगा तो फिर इसका वैकेंसियाँ आनी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अभी आपको समझ लीजिए कि चांदी वाला दिन है, गोल्डन एरा आप कह सकते हो, गोल्डन टाइम इसको बोल सकते हो, गोल्डन टाइम है,
अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो चेतक प्रैक्टिस सेट, सुल्तान प्रैक्टिस सेट और धमाका प्रैक्टिस सेट सीबीटी टू के लिए जिनका पेपर बचा हुआ है वो बिल्कुल इंतजाम मत करें कि हम पहले आरपीएफ देंगे, आरपीएफ की तैयारी हम करेंगे, सीबीटी टू छोड़ रहे क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अभी बिल्कुल हार मत मानिए और सिर्फ अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच, मेरी हमेशा मैं आपके साथ साथ हूँ, हर एक दिन वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको पता मैंने कल आपको मैसेज किया था मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं दोस्तों कल वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब, मेरे सर में काफ़ी दर्द है, लेकिन जब मैंने देखा ऑफिशियल नोटिस आ गया है तो मैं सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ यू लाइक एंड